कमाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो टेस्टी के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है। मात्र 2 चम्मच तेल में ही बनके तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो देर किस बात की, चलिए रेसिपी बनाना शुरू करें। बाउल लिए हैं, इसमें डालेंगे हम 1 कटोरी सूजी। इस कटोरी से सूजी लिए थे, उसी कटोरी से माप के हम डालेंगे इसमें 1/2 कटोरी दही और उसी कटोरी से 1/2 कटोरी पानी। इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच नमक। मिक्सर से सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ सूजी के साथ दही और पानी अच्छे से मिक्स हो चुका है, देखिए 10 मिनट रेस्ट के लिए रख लेंगे। यहाँ गैस पे कढ़ाई रखे हैं, इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच तेल। यहाँ अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 छोटी चम्मच राई, बारीक कटा हुआ 2 हरी मिर्च और बारीक चॉप किया हुआ 1 मीडियम साइज प्याज, सबको इसमें डाल देंगे। इसे चलाते हुए 2 मिनट अच्छे से भून लेंगे। प्याज अच्छे से भून चुका है, अब इसमें डालेंगे कुछ बेसिक मसाले। 1/2 छोटी चम्मच नमक डाल रहे हैं, नमक आप अपने स्वादानुसार लीजिएगा। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/3 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, 1/3 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा रसा, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखेंगे। अच्छे से भून चुके हैं, अब इसमें हम डालेंगे उबला हुआ 3 आलू, अच्छे से मैश करके रखे थे। आलू अच्छे से भून के तैयार हो गया, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। सूजी को फूलते हुए 10 मिनट हो चुका है। ये बेटर ऐसे होना चाहिए, न ज़्यादा गाढ़ा न ज़्यादा पतला। अब इसमें हम डालेंगे 1 पैकेट इनो, थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि जल्दी से एक्टिवेट हो जाए। यहाँ हम 3 कटोरी लिए हैं, इस सबको तेल से अच्छे से ग्रीस कर लिए हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा बैटर डालेंगे। सभी कटोरी में हम आलू का फिलिंग्स भी रख दिए हैं, इसके ऊपर से हम थोड़ा थोड़ा और बैटर रख देंगे। उठा करके हम इस स्टैंड में रख देंगे। अब इसके ऊपर से हम लीड लगा देंगे और 10 मिनट तक इसे हम पका लेंगे। पकते हुए 10 मिनट हो चुका है, चलिए चेक करते हैं। चेक करने के लिए एक नाइफ लेंगे, इसे डाल के देखेंगे। देखिए नाइफ कितना क्लीन निकल रहा है। हम ऑफ कर देंगे, इसमें ठंडा होने देंगे थोड़ा देर ताकि अच्छे से कटोरी छोड़ दें। यहाँ 3 कटोरी हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब एक नाइफ लेंगे और चारों तरफ से इसका हम किनारी छुड़ा देंगे। देखिए सभी का किनारी छुड़ा लिए, कितना आसानी से निकल जाएगा। चाहे तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन हम इसे और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा तड़का लगा। गैस पे कढ़ाई रखे हैं, इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच तेल। यहाँ तेल गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 छोटी चम्मच सभी को उलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे। थोड़ा सा हरा धनिया, चुटकी भर कश्मीरी लाल मिर्च, सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। हम बनाए हुए सभी नाश्ते को इसमें डालेंगे और चलिए फटाफट इसे सर्व कर लेते हैं। ये लीजिए हमारा मजेदार सी सूजी का हल्का फुल्का नाश्ता बनके तैयार हो चुका। लग रहा है ना कितना कमाल, सच में देख के ही मुंह में पानी आ जा रहा है। खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा, टमाटो केचप के साथ या हरी चटनी के साथ, आप किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। यदि आप लोगों का हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वे प्लीज़ सब्सक्राइब करें।